नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। इंडिया नाइन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। शायराना अंदाज में विपक्ष को नसीहत दे डाली। पीएम ने करीब एक घंटे के भाषण में विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा, लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। अपने भाषण के आखिर में पीएम ने निदा फाजली की शायरी के जरिए विपक्ष पर चुटकी ली। पर मैं धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। पीएम ने कहा, भाई भतीजावाद से सरकार की छवि खराब हो रही थी, हमने पारदर्शिता पर जोर दिया। पीएम के मुताबिक उन्होंने खुद 300 परियोजनाओं की समीक्षा की है। पीएम के मुताबिक डेढ़ साल में स्किल डेवलपमेंट में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने कहा, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। एनजीटी ने दिल्ली में श्री श्री रविशंकर को विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की इजाजत दे दी है। साथ ही एनजीटी ने इस कार्यक्रम के एवज में श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनजीटी ने 5 करोड़ के जुर्माने के साथ आर्ट ऑफ लिविंग को कार्यक्रम की इजाजत दी। कहा, कार्यक्रम रोकने के लिए शिकायत देर से आई, इसलिए अब आयोजन नहीं रोका जा सकता। दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया। किसी भी तरह का कोई ऑर्डर इस तरह की परमिशन DDA नहीं देगा। फाउंडेशन को अभी पेनल्टी देनी है 5 करोड़ की। पहले भी मुझे हम लोगों पर इन चीज का कोई असर नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। कार्यक्रम के बारे में हम लोग पहले भी आश्वस्त थे कि 100% सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोग करें। विश्व संस्कृति महोत्सव 11 से 13 मार्च के बीच दिल्ली में होना है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने पर विश्व संस्कृति महोत्सव आयोजित हो रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग ने दुनिया भर से 35 लाख लोगों के महोत्सव में आने का दावा किया है। क्या है गुमनामी बाबा का सच? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? गुमनामी बाबा के लॉकर से मिल रहे सामानों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या है संबंध? ये वो तमाम राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यूपी के फैजाबाद के रहने वाले गुमनामी बाबा के लॉकर से कई ऐसे सामान मिले हैं जो इन सवालों को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। हॉलैंड का रेडियो, HMV के 2 ग्रामोफोन, ऐसी और भी कई चीजें हैं जो गुमनामी बाबा के 23वें बक्से से मिली हैं। जैसे जैसे गुमनामी बाबा के बक्से खुल रहे हैं, परत दर परत कई राज बेपर्दा हो रहे हैं और गुमनामी बाबा के लॉकर से मिले हर सामान के साथ ये सवाल भी गहराता जा रहा है। फैजाबाद के राम भवन में रहने वाले गुमनामी बाबा कौन थे? क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? गुमनामी बाबा के लॉकर से मिले सामानों का नेताजी से क्या संबंध है? फैजाबाद ट्रेजरी के डबल लॉक में रखे 23वें बक्से से करीब 150 सामान निकले। गुरुवार को आखिरी 2 बक्से खोले जाने हैं। ये वो 2 बक्से हैं जिसे मुखर्जी कमीशन पहले ही ले गया था, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इसमें कई अहम राज हो सकते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं से वो संत जो भी रह रहा था उन नेताजी से संबंधित आ रहा है। गुमनामी बाबा के 22वें बक्से से जर्मनी की दूरबीन, इंग्लैंड का टाइपराइटर, इंग्लैंड की चाकू, जापानी क्रॉकरी का सेट समेत कई हैरान करने वाले सामान मिल चुके हैं। इसके अलावा INA की वर्दी, गोल्ड फ्रेम का चश्मा, रोलेक्स की घड़ी समेत कई और भी सामान है जो बक्से में रखे हैं। 23वां बक्सा कलेक्ट्रेट के कोषागार से खोला जा रहा है और इसमें बहुत सारे सामान, रहस्यमय सामान मिले हैं। इसमें शंख मिली है, घड़ी मिली है,
पानी फिल्टर का सामान मिला है और साथ में जो रेडियो जो होता है ग्रामोफोन है वो मिला है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो मिली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं यहाँ पर। ये सारी चीज कहीं ना कहीं ये जरूर आभास कराती है कि वो संत कोई विशिष्ट संत रहे हैं और संत के साथ कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि लोगों को मानना है कि जो गुमनामी बाबा है वो कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। लॉकर से मिले इन सामानों से सवाल उठना भी लाजमी है, आखिर यूपी के फैजाबाद के रहने वाले संत विदेशी सामान क्यों रखते थे? एक संत के लॉकर से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीजें क्यों मिल रही हैं? सिर्फ यही नहीं, लॉकर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी मिली है जो नेताजी और गुमनामी बाबा के कनेक्शन को और भी पुख्ता करती है। लॉकर से अब तक मिले सामानों के आधार पर ये शक और भी गहराता जा रहा है कि फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन फिलहाल जांच हो रही है। गुरुवार को दो आखिरी बक्से खुलने हैं, ऐसे में देखना होगा आखिरी बक्सों में कौन सा राज सामने आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्रकुमार बोस पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चंद्रकुमार बोस ने 25 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके दो दिन बाद ही वे दिल्ली में सरकार के नेताजी की फाइलें जारी करने के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। बीजेपी ने चंद्रकुमार बोस को सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। चंद्रकुमार बोस ने कहा, पश्चिम बंगाल में बदलाव का वक्त आ गया है और बदलाव बीजेपी लाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट चाहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है, यही पार्टी है जो सही परिवर्तन ला सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 294 सीटों में से 100 सीटें मांगी हैं। मालदा में एक रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। कांग्रेस 100 की लगभग कांग्रेस की मांग है, देखे क्या मिलता है। कांग्रेस और सीपीएम हमेशा साथ ही थे, इस बार खुलकर सामने आ गए हैं, कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 6 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में दो दिन चुनाव होंगे, इस दौरान 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 5 मई को वोट डाले जाएंगे। विजय माल्या हफ्ते भर पहले ही देश से बाहर जा चुके हैं। सवाल है कि क्या कोई शख्स इतनी आसानी से बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से बाहर भाग जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। नाम विजय माल्या, उम्र 60 साल, विलफुल डिफॉल्टर। कहां है विजय माल्या? दुनिया के किस कोने में छिपे हैं माल्या? क्या माल्या को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब 17 बैंकों के अधिकारी ढूंढ रहे हैं। माल्या की कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब शायद देश की सरकार के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये बात साबित हो गई कि माल्या देश छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके हैं। रोहतगी ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें यह जानकारी दी है। इससे पहले 17 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की याचिका दी थी। कोर्ट ने माल्या को 30 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि अगर विजय माल्या विदेश जाते हैं तो एनआरआई होने के नाते उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। ये उन बैंकों और कर्मचारियों के लिए झटका था जो माल्या से अपने बकाया पैसे पाने की उम्मीद कर रहे थे। माल्या should realize that the staff has really given so much for him, whereas he's not given us in return anything. We had worked hard for this company. Maybe it went down because of some issues with the management or whatever. तो हमने जो काम किया उसका तो हक पहले हमें बनता है। 4 to 5,000 टोटल स्टाफ का पैसा बाकी है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग आज नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ अ वर्किंग डे। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा SBI का 1,600 करोड़ रुपए बकाया है, वहीं PNB और IDBI का 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 550 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 410 करोड़ वापस देने हैं। ऐसे में माल्या का देश छोड़कर जाना सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि
कि इसी देश में छोटे डिफॉल्टर पर तो बैंकों का शिकंजा कस जाता है, लेकिन माल्या जैसे करोड़ों रुपए का डिफॉल्ट करने वाले लोग आसानी से बच निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईपीएफ पर सरकार ने भले ही टैक्स वापस ले लिया हो, लेकिन सरकार ने पीएफ का पैसा निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब नौकरी छोड़ने पर सिर्फ आधा पैसा ही निकाला जा सकेगा, बाकी रकम के लिए रिटायरमेंट की उम्र का इंतजार करना होगा। सरकार ने भले ही ईपीएफ पर टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन सरकार ने गैर सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड निकलने के सिलसिले में एक बड़ा बदलाव किया है। अब नौकरी छोड़ने पर प्राइवेट कर्मचारी अपने फंड से सिर्फ आधे पैसे ही निकाल सकेंगे। ये फैसला 10 फरवरी के बाद से नौकरी छोड़ने वाले सभी गैर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले आप जब कोई नौकरी छोड़ते थे और या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते थे, तो आप दो महीने की वेटिंग पीरियड के बाद आफ्टर दी रेजिग्नेशन आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते थे पूरा अमाउंट, अनलेस अनटिल कि आपकी 9.5 साल से ज़्यादा की सैलरी सर्विस ना हो। इससे क्या होता था कि यंग जो लॉट होता, हमारा जो 25-30 साल के लोग हैं, 45 साल से भी कम उम्र के लोग हैं, वो अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया करते थे, जो कि यंग एज में उनको उसकी आवश्यकता नहीं होती थी। ये पैसा उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए है, बुढ़ापे के लिए है, और बुढ़ापा आने से पहले ही वो पैसा विड्रॉ करके खाली हो चुके होते थे। मेरे यहाँ नोएडा में ही लगभग 24,000 क्लेम्स हम हर महीने सेटल करते हैं, उसमें से 90% क्लेम्स उन लोगों के होते थे जिनका एज प्रोफाइल 40 से कम होता था। ऐसे लोग जो हर बार हर दूसरे तीसरे साल नौकरी शिफ्ट करते थे, साथ साथ अपना पीएफ भी विड्रॉ कर लिया करते थे। तो दिस वॉज लाइक नथिंग वॉज सेव फॉर देयर ओल्ड एंड फ्रेजाइल पीरियड। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अपना एम्प्लॉय शेयर ही पैसा निकाल सकता है। एम्प्लॉय शेयर जो कि 60% पीएफ और 40% पेंशन स्कीम में जाता है, उसको नहीं निकाल सकता। रिटायर होने के बाद पेंशन के हिस्से से उसे पेंशन मिलती रहेगी और एम्प्लॉय शेयर के 60% पीएफ हिस्से से 58 उम्र के बाद ही निकाल सकता है। इसके में एक बदलाव ये किया गया है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड का अपना जो हिस्सा है 12% हिस्सा, वो तो आप विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन जो बाकी बचा हुआ एम्प्लॉयर का शेयर है 12%, जिसमें कि पेंशन का कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है आपका, वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अनलेस अंटिल यू आर 58 इयर्स ऑफ एज। पहले ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ने पर अपना एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के 60% पीएफ हिस्से को फॉर्म 19 भरकर निकाल लेते थे और 9.5 साल सर्विस होने के बाद फॉर्म 10C भरकर पेंशन के 40% हिस्से को भी निकाल सकते थे। पर अब नए प्रावधान के तहत भले ही आपकी कितनी भी मजबूरी हो, आप कुल जमा अंशदान से फिर आधा ही निकाल सकते हैं। हालांकि कंपनी की ओर जमा किए गए पैसों पर कर्मचारी को ब्याज मिलता रहेगा। अगर कर्मचारी किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो पिछली कंपनी के अमाउंट को अपने नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। यूएन नंबर की मदद से ऐसा किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल 70-80% कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपना पीएफ निकाल लेते हैं, जो इस नए नियम के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड T20 के दौरान भारत पाक के बीच धर्मशाला में होने वाले मैच को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ऐलान से भी खुश नहीं है। पीसीबी के मुताबिक वो भारत से अपनी टीम के लिए लिखित में सुरक्षा का आश्वासन चाहता है। खतरे के मद्देनजर पीसीबी ने धर्मशाला में मैच खेलने से इनकार किया और मोहाली या कोलकाता में खेलने की इच्छा जताई। बीसीसीआई ने कोलकाता में खेलने पर आखिरी मोहर लगा दी। फैसले का ऐलान आईसीसी ने किया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने वीरभद्र सरकार पर निशाना साधा। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम धर्मशाला टू कोलकाता ऑन द सेम डेट एंड टाइम एज द ओरिजिनली अनाउंस्ड द डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। दे हैव अगेन शोन फॉर देम इट्स फैमिली फर्स्ट, party next and nation last. Well, government never said that you should shift the match. हमने कहा जब भी सोमवार को पाकिस्तान से 2 सदस्यों की टीम धर्मशाला में सुरक्षा हालात का जायजा लेने आई थी। पाकिस्तान धर्मशाला में सुरक्षा इंतजाम से संतुष्ट नहीं थी। पठानकोट धर्मशाला से करीब 90 किलोमीटर दूर है। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों पर हमला हो सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की नागौर में चल रही बैठकों में हाल में सामने आए जेएनयू प्रकरण की निंदा की गई। संघ अब शिक्षण संस्थानों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवाद से जुड़े प्रसंगों को शामिल कराने की भी कोशिश करेगा। नागौर में इन दिनों संघ का महाकुंभ लगा हुआ है। कल यानी कि गुरुवार को इस महाकुंभ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। नागौर में मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ का महाकुंभ। 10 मार्च को खत्म होगी संघ के जिलों की बैठक। 11 से 13 मार्च तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। संघ के महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा स्वयं सेवक। नागौर में संघ की शीर्ष समितियों की बैठकें जारी हैं। गुरुवार को संघ के जिलों की बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद शुक्रवार से संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होगी। प्रतिनिधि सभा की बैठक में पहुंचेंगे अमित शाह। राम लाल और वी सतीश पहुंच चुके हैं नागौर। 11 मार्च से शुरू हो रही संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश पहले ही नागौर पहुंच चुके हैं। नागौर पहुंच चुके हैं प्रवीण तोगड़िया। भागवत के सामने रखेंगे बीएचपी का एजेंडा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया नागौर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से बीएचपी के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में जेएनयू प्रकरण की निंदा। प्रतिनिधि सभा के सत्र में हो सकती है बड़ी चर्चा। संघ का मानना है कि पाठ्यक्रमों में देश के महापुरुषों के जीवन, देश को बचाने में उनके योगदान, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और वर्तमान में सैनिकों के बलिदान से जुड़े प्रसंगों को शामिल किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर प्रतिनिधि सभा के किसी एक सत्र में चर्चा किए जाने की संभावना है। मनोज सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नागौर। हनुमानगढ़ के नोहरचक में राजासर हत्याकांड मामले में परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर परिजन पानी की टंकी पर चढ़े थे। मृतक का भाई और बेटी टंकी पर चढ़े, जिनको प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद उठवाया। उधर दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विजय चौक पर इसी मामले को लेकर मृतक के साले ने भी सुसाइड की कोशिश की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मामला ये 2009 का है, जब एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। मामले में अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रपति भवन और संसद के करीब विजय चौक पर पहले शख्स ने खुद पर केरोसिन डाला और जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसे पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के जवान इस शख्स को उठाकर पुलिस वैन के अंदर ले गए। इसके बाद इसे संसद मार्ग थाने ले जाया गया। आत्महत्या की कोशिश करने वाला हरि सिंह हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। हरि के मुताबिक राजस्थान के हनुमानगढ़ में बदमाशों ने उसकी बहन और भांजी की हत्या कर दी थी। हरि का आरोप है कि पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर है कि हरि का बहनोई भी सिरसा में पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी दे चुका है। जोधपुर में करीब 17 साल से चले आ रहे आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान गुरुवार को अदालत में पेश हो सकते हैं। जोधपुर सीजीएम कोर्ट की ओर से सलमान को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सलमान को बतौर मुजरिम बयान दर्ज होने हैं। सीजीएम जोधपुर ग्रामीण की अदालत में सलमान खान ने खुद को बेगुनाह बताते हुए 5 और गवाहों को बुलाने की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 5 गवाहों से जिरह पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने 10 मार्च को सलमान को हाजिर होने को कहा था। अब कोर्ट में सलमान खान को उनके खिलाफ लगे आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे। इस मामले में उनके खिलाफ गवाही देने वाले लोगों के बयान भी सुनाए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट की ओर से तैयार सवाल सलमान से पूछे जाएंगे। गवाहों के बयानों से जुड़े मामले में कोर्ट आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका देता है। इसके बाद दोनों तरफ से अंतिम बहस होगी। अंतिम बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला करेगा कि इस मामले में सजा बनती है या नहीं।